सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 m² बिफोर द कॉलिशन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर. वॉट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिशन. सो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, दो ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ए बी. मैं जस्ट अभी आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास कितना गिवन है, 1.5 kg 1.5 kg, एंड वो सेम स्ट्रेट लाइन में बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप समझ गए. और यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी दोनों का इक्वल है, दैट इज 2.5 m². जस्ट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि एक का क्या है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो वो क्या हो जाएगा, -2.5 m². सो अब कैसे आंसर लिखोगे, देखो मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज m1 इक्वल्स टू 1.5 kg. सिमिलरली अदर ऑब्जेक्ट दैट इज m2 का भी क्या है, 1.5 kg. नाउ टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन क्या है, 2.5 m². सिमिलरली जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो क्या होगा, v2 इक्वल्स टू -2.5 m². एंड वी नो दैट नेगेटिव साइन अराइजेस बिकॉज मास m2 इज मूविंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो आफ्टर कोलिशन द टू ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर एज पर द क्वेश्चन. सो टोटल मास क्या है कंबाइंड ऑब्जेक्ट का, m1 + m2. सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा कंबाइंड ऑब्जेक्ट का, हम लोग उसको लेंगे v, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन. सब कौन सा फॉर्मूला दोगे, m1 v1 + m2 v2 इक्वल्स टू m1 + m2 और v बाहर. देन आप सिंपली क्या करोगे, उसको आंसर फाइंड आउट कर लोगे. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 0. हैंस द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिशन इज 0 m/s. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मासिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव. ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर. कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव. सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला गया. सपोज आपको ये लाइक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे ऑन द ग्राउंड, तो जो ग्राउंड है वो क्या करता है, वो भी पुश बैक करता है विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. सो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में भी बोला गया. सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्या एग्जाम्पल दिया, एक मासिव ट्रक का एग्जाम्पल दिया जो रोड साइड में पार्क्ड है. तो उसने क्या बोला कि आपने सपोज ले उसको पुश किया, तो वो ट्रक ने भी क्या किया, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन से वो लाइक एक फोर्स अप्लाई हुआ, तो इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, दे कैंसिल्ड ईच अदर. सो उसने जो ये बोला आपको क्या करना है, वो कमेंट करना है इस लॉजिक के ऊपर एंड आपको एक्सप्लेन भी करना है ये जो ट्रक है वो मूव क्यों नहीं हुआ. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो लेट्स लुक एट द आंसर फर्स्ट. द लॉजिक इज दैट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सो दे कैनॉट कैंसिल ईच अदर. यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. व्हेन वी पुश ए मासिव ट्रक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड द रोड इज वेरी लार्ज एंड सो द ट्रक डज नॉट मूव. सो अगर आपको अच्छे से पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे क्या बोला गया, देखो जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट में जो फोर्स लगता है वो क्या है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है. पर यहाँ पे सिंस आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एक स्टूडेंट ने क्या जस्टिफिकेशन दिया, ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर. सो ये तो इनकरेक्ट है बिकॉज वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देखो जो एक्शन एंड रिएक्शन है दे ऑलवेज ऑपरेट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड हैंस कैनॉट कैंसिल ईच अदर. जैसे आप देखो स्टूडेंट ने क्या किया, एक जस्टिफिकेशन दिया. क्या जस्टिफिकेशन दी उसने, क्या किया, पुश किया मासिव ट्रक को एंड वो मूव नहीं हुआ. उसके पीछे क्या रीज़न है, आपका जो मास है अगर हम लोग लाइक कंपेयर करेंगे ट्रक से तो ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है हमसे, दैट इज़ वाई वो मूव नहीं हो रहा है.
वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन वी पुश ए मासिव ट्रक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड द रोड इज़ वेरी लार्ज एंड सो द ट्रक डज नॉट मूव। सो दिस क्वेश्चन वॉज एक्चुअली वेरी सिंपल। यहाँ पे जैसे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, एक ट्रक कहाँ पे पार्क्ड है ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड इट हैज़ अ हैवी वेट एंड इट जनरेट्स ग्रेटर फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ग्राउंड। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वो ट्रक मूव नहीं हो रहा है। सो इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि ट्रक कब मूव होगा, द ट्रक विल ओनली मूव अगर कोई फोर्स ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। सिंस आपका जो क्या है, आपका मास बहुत ही कम है कंपेयर टू द ट्रक, दैट इज़ वाई वो ट्रक मूव नहीं हुआ। सो आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाई द फोर्स अप्लाइड ऑन द सॉरी बाई द हॉकी स्टिक। सो एक हॉकी बॉल, उसका मास आपको कितना गिवन है 200 ग्राम, वो ट्रेवल कर रहा था एट 10 मीटर पर सेकेंड, वो इसका वेलोसिटी है। एंड उसको क्या वो ऑपोजिट डायरेक्शन से हॉकी स्टिक ने क्या किया, एक स्ट्रक किया, लाइक एक फोर्स अप्लाई हुआ जो नेगेटिव होगा, ठीक है, सो एज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ। एंड उसका वेलोसिटी क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाई द फोर्स अप्लाइड बाई द हॉकी स्टिक। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी वन बाई वन। सबसे फर्स्ट मास ऑफ द हॉकी बॉल एम कितना गिवन है 200 ग्राम, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे सो द आंसर विल बी 0.2 kg। सो फर्स्ट आपको देखो क्या गिवन है, हॉकी बॉल ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v1 क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mv1। एंड जो हॉकी बॉल है इट ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा mv2। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम में आप सिंपली क्या करोगे, देखो सिंपली आप उसको माइनस कर दोगे mv1 माइनस mv2, देन आप उसको पुट कर दोगे सो द फाइनल आंसर विल बी 3 kg मीटर पर सेकेंड। हैंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस वॉज एक्चुअली वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉराइजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इन टू द ब्लॉक, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, एक बुलेट है उसका मास कितना आपको गिवन है 10 ग्राम, वो ट्रेवल कर रहा है हॉराइजेंटली, उसका वेलोसिटी कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, और वो कहाँ पे स्ट्राइक हुआ जाके एक वुडन ब्लॉक पे, एंड देन वो एक रेस्ट पे आ गया आफ्टर सम टाइम, क्या टाइम है 0.03 सेकेंड। देन आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन यानी कितना अंदर गया वो बुलेट इनटू द ब्लॉक, एंड ऑल्सो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। सो लेट्स सी वन बाई वन। सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दैट द बुलेट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट जब एंटर हुआ इनटू द वुडन ब्लॉक, देन इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू जो 150 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वी इक्वल टू जीरो। सिंस द बुलेट फाइनली कम्स टू रेस्ट, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। नाउ टाइम कितना लगा था आपको क्या गिवन है 0.03 सेकेंड। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इज स्मॉल ए, देन सिंपली आप क्या करोगे, v क्या था जीरो, u क्या है आपका 150 प्लस a इंटू टी, आपको टाइम कितना गिवन था 0.03 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज डिक्रीजिंग। सो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में क्या देखो, हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस।
वी कितना है आपका 0, यू कितना है 150, सिंपली आप इसको फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी 2.25 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट इज डन, जो आपको पूछा था कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है, तो पेनिट्रेशन कितना हुआ 2.25 मीटर। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। फोर्स फाइंड आउट करना है, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा क्या गिवन था 10 ग्राम, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे इंटू kg, सो द आंसर विल बी 0.01 kg। एंड हमने एक्सेलरेशन पहले निकाल दिया, यहाँ पे देखो माइनस हो गया, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, -5000 m/s². सो एफ इक्वल्स टू कितना गिवन आपको ma, सो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे द आंसर विल बी -50 N, दैट इज न्यूटन।